गृहस्थ और संतों में क्या अंतर है? मैं आपसे बताऊंगा, गृहस्थ क्या चाहता है और संत क्या चाहते हैं, आप पकड़ना। अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, धर्म अर्थ काम, काम मतलब कामनाओं की पूर्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों में गृहस्थी लोग क्या चाहते हैं? अर्थ और काम, गृहस्थी कहां उलझ गया? अर्थ और काम। और संत लोग क्या चाहते हैं? धर्म और मोक्ष, कि हमसे धर्म हो और हमारा मोक्ष हो। अब गलती ये हो गई आप लोगों से, गृहस्थियों से, हम लोगों से, कि हमने अर्थ तो चाहा, काम तो चाहा, लेकिन धर्म भूल गए। अब सोचो कि हम घर बनाएं और घर की नींव ना बनाएं और डायरेक्ट दीवारें खड़ी कर दें। आप गृहस्थ लोग कहां सोच रहे हैं कि अर्थ मिले महाराज और कामनाएं पूरी हो बस। अरे भैया, अर्थ तब तक नहीं टिकेगा जब तक धर्म नहीं होगा। धर्म के बिना यदि अर्थ आ गया तो रावण के पास और दुर्योधन के पास धर्म के बिना अर्थ आया तो वो अर्थ सर्वनाश कर देगा जो धर्म के बिना आएगा। धर्म के बिना आएगा वो धन आपका क्या करेगा? सर्वनाश। उसका एग्जाम्पल रावण और दुर्योधन है। दुर्योधन ने जो कमाया जुए से, बताओ धर्म युक्त था? धर्म के अकॉर्डिंग था? धर्म के हिसाब से था? नहीं था, सर्वनाश हुआ। रावण ने अपने भाई को का पुष्पक विमान हर लिया, लंका हर ली। शंकर जी ने अपने लिए लंका बनाई थी रहने के लिए, इसने मांग ली रावण ने, तो यह धर्म था? नहीं था, तो क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। आज लोगों के जीवन में शांति क्यों नहीं है? इसलिए शांति नहीं है क्योंकि जो पैसा है वो धर्म युक्त पैसा नहीं है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है। इसलिए पैसा तो है आप लोगों के पास, पर उस पैसे में शांति नहीं, आपस में प्रेम नहीं है, कलह ज्यादा है। पैसा जितना ज्यादा कलह भी उतनी ज्यादा, पैसा जितना ज्यादा समस्याएं भी उतनी ज्यादा, क्योंकि धर्म से नहीं आया। तो धर्म पहला वेश नींव है, धर्म है तो फिर धर्म से अर्थ कमाओ, अर्थ आएगा तो कामनाएं पूरी होंगी, और जब कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो मोक्ष के आप अधिकारी बन जाएंगे। कामनाएं पूरी नहीं होंगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा, सिंपल फंडा। तो इज्जत पा लेता है ना, फिर उसको इज्जत पाने की जो इच्छाएं हैं मर जाती हैं। जो पैसा पा लेता है, यदि धर्म से, देखो ये बात उनके लिए है जो धर्म से जुड़े हैं, यदि आप धर्म से जुड़े हैं तो एक टाइम पर पैसे से आपका मन अपने आप हटेगा। यदि आप धर्म से जुड़े हैं तो एक टाइम पर आपका मन भोगों से अपने आप हटेगा, और यदि धर्म से नहीं जुड़े तो बुढ़ापे में भी आप छोड़ ना पाएंगे पैसे को और भोगों को और संसार के पद पदार्थों को, तभी छूटेगा साहब जब धर्म से जुड़े। ये धर्म जो है ना पहले नंबर पर, ये बहुत काम की चीज है। इसलिए तो कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। इसलिए भगवान का अवतार क्यों हुआ? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब धर्म की हानि होती है तब भगवान का अवतार होता है। इसलिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म ना जाए, इसलिए धर्म क्या है? धर्म आपको जिम्मेदार बनाता है, धर्म आपको स्ट्रांग करता है, धर्म आपको एनर्जी से, आजकल लड़कों में, आजकल की लड़कियों में एनर्जी नहीं है। श्रीलंका गए तो मैनाक पर्वत प्रकट हो गए, बोले थोड़ा विश्राम कर लो, वो आप थक गए होंगे। हनुमान जी बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा लेता, जब तक मैं सीता माँ का पता नहीं लगा लेता, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। और ये एनर्जी कहां से आती है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उठो चलो, और तब तक चलो जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। आज का लक्ष्य मिला नहीं और लड़के हमारे देश के यूं ही टांग पसारे सो रहे हैं, खूब सो रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं। क्यों? एनर्जी नहीं है। एनर्जी कौन सी? मैं किस एनर्जी की बात कर रहा हूं? मैं धर्म की एनर्जी की बात कर रहा हूं। आज धर्म की एनर्जी जो चाहिए, जैसे शरीर में ना विटामिन डी चाहिए, कैल्शियम चाहिए, यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो आप बीमार पड़ जाएंगे। शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई, बीमार पड़ जाएंगे। ई चाहिए, डी चाहिए, सी चाहिए, हर विटामिन ना चाहिए। प्रोटीन चाहिए, आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, विटामिन्स की कमी है, फलाने की कमी है, तो क्या होगा? आप कमजोर पड़ जाएंगे। जैसे शरीर में पूरा पूरा विटामिन कैल्शियम पर्याप्त मात्रा से प्रोटीन मिलना चाहिए,
उसी तरह से जीवन को धर्म का प्रोटीन भी तो चाहिए। अब आप लोग ना प्रोटीन, धर्म का प्रोटीन तो है नहीं आपके पास, तो शरीर तो इन प्रोटीनों से मजबूत है पर मन बुद्धि चित्त ये कमजोर पड़ गया आपका। सुनो, दूध में क्या होता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम दूध पियोगे तो शरीर की हड्डियां मजबूत होंगी। जितना बढ़िया खाओगे आपके शरीर के अंग उतने अच्छे काम करेंगे। आंखों में चश्मा लग रहा है, इसका मतलब आंखों को जो चाहिए था प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए आपको चाहिए कि आप पालक का जूस पिए, क्योंकि आपकी आंखों का संबंध पालक से है। जो चीज पालक में पाई जाती है, अब देखो मैं बहुत ज्यादा उस डॉक्टरी विषय को नहीं समझता, हिंदी में बात करूं आपको कि जो तत्व आंखों को चाहिए वो पालक में विद्यमान है, वो गाजर में विद्यमान है। अब गाजर का जूस पिए, पालक का जूस पिए तो आंखों का कमजोरी, आंखों की दूर हो, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। हड्डियां कमजोर हैं, दही खाओ, दूध खाओ, दूध पियो, पनीर खाओ, हड्डियां मजबूत होंगी। ऐसे शरीर का प्रत्येक अंग स्ट्रांग करने के लिए ना, अखरोट खाने से दिमाग स्ट्रांग होता है, काजू खाने से हमारे लंग्स अच्छे होते हैं, हमारी किडनियां बढ़िया होती हैं। तो हर चीज खाद्य पदार्थ जो है वो हर एक अंग को मजबूत करता है। उसी प्रकार धर्म आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को, आपके चंचल मन को कंट्रोल करता है धर्म। आप कहते हैं महाराज जी मन बड़ा चंचल, अरे भैया मन को प्रोटीन दो ना, और प्रोटीन से एक है धर्म। अब धर्म, हड्डी को जो चाहिए दो, वरना हड्डियां एक टाइम पर टूटना स्टार्ट हो जाएंगी जरा से धक्के से। दो, पियो दूध, खाओ पनीर और दही, समझो आप फॉर्मूले, समझो ना सिद्धांत, सिंपल फंडा है भाई। सर्दी आ गई मतलब आपके शरीर को तेल की जरूरत है, आप कुछ ना कुछ शरीर पर, बॉडी पर लगाएंगे वरना शरीर रूखा रूखा रहेगा। चमड़ी को आवश्यकता है ना, आप लोशन लगाते होंगे नाना प्रकार के, कुछ तो देते होंगे ना अपनी बॉडी को, आप कुछ तो लगाते होंगे। पहले के लोग देसी घी लगाते थे अपनी बॉडी पर, सरसों का तेल और नारियल का तेल आज भी लगाया जाता है। अब सर्दी आ गई, बॉडी रूखी हो जाती, क्या लगाते हैं अपन लोग? तेल लगा लेते हैं, लोशन, जो भी आप लोग लगाते, कुछ लगाएंगे नहीं तो शरीर रूखा होगा। मतलब ये आवश्यकता है कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। प्यास लगेगी तो पानी आवश्यक है नहीं? भूख लगेगी, रोटी आवश्यक है कि नहीं? उसी तरह मन की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, धर्म की। और आप ऐसे कंजूस हैं कि मन की आप पूर्ति नहीं कर रहे हैं, बस शरीर की तो खूब कर रहे हैं। आपका मन कमजोर क्यों है? क्योंकि जिससे मजबूत होता है वो प्रोटीन आपने दिया नहीं, धर्म। आप गाना गाते हैं महाराज जी हमारा तो मन नहीं लगता, हमारा तो मन ही नहीं लगता। हाँ, बारीक मामला है ये, अंदर की बात है, और ये अंदर की बात वही जान सकता है जो अंतर्मुखी होता है। जो बहिर्मुखी है, अंदर की बात वो क्या जाने? या तो मैं जानू या तो वो जाने, या तो मैं जानू या वो जाने, तीसरे को जानने की, क्योंकि बात ही अंदर की है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कहां का विषय है? बाहर का कि भीतर का? जोर से, किस किस के पास मन है? जिसके पास है वो हाथ उठाए। किस किस के पास बुद्धि है? किस किस के पास चित्त है? लोग नहीं कहते चित्त नहीं लग रहा है, या चित्त नाम की चीज है, और अहंकार किस किस के पास? ये मेरा हाथ है, ये भी एक अहंकार है। तो हमारे मन के चार विभाग हैं, चार विषय हैं। मन, बोलो मन, जोर से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन चारों को प्रोटीन कौन देगा? जोर से, इन चारों को भोजन कौन कराएगा? धर्म। तो चारों आपके भूखे हैं। तो जो समस्या है ना महाराज जी, मन नहीं लगता और बुद्धि तो इतनी कमजोर पड़ गई है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। आपका, आपकी बुद्धि इतनी मंद पड़ गई। आप लोगों ने परसों क्या खाया था आपको याद नहीं है? आपने क्या कहा था फलाने से आपको याद नहीं है? मतलब आपकी बुद्धि मंद पड़ गई, आपको कुछ याद नहीं रहता। आजकल वो प्रखर बुद्धि थी कि लोगों को याद रहा करता था, आजकल कुछ भी याद नहीं है। आजकल आपको आपका ही मोबाइल नंबर याद नहीं होता, इतनी मंद बुद्धि है आप लोगों की। कल पढ़ा आज भूल गया, आज मैं कथा सुना रहा हूं आपको, अभी मैं शाम को आपसे पूछूं कि आज मैंने क्या क्या सुनाया, आप टुप्पी टाप हो जाएंगे। इतनी कम बुद्धि क्यों? क्योंकि बुद्धि मोबाइल डिस्चार्ज है तो काम कैसे करेगा? चार्ज करो ना भैया। ऐसे बुद्धि को और मन को चार्ज करने का काम है धर्म का। इसलिए जीवन को धर्म युक्त बनाओ, धर्म की राह पर चलाओ, तो मन बुद्धि चार्ज होंगे, जिससे
आपका कल्याण है, सुखी है।